हेलो एंड वेलकम गाइज, आप सभी का मेरे नए वीडियो पे स्वागत है। सो गाइज़, आज की वीडियो होने वाली है हमारी आरसी प्लेन का पार्ट नंबर 3। सो गाइज़, उससे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि एक साल हो गए पर कुछ रीज़न के चलते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। सो गाइज़, कई लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कि भाई इसका पार्ट नंबर 3 कब अपलोड करोगे। सो फाइनली आप लोगों के डिमांड पे मैं पार्ट नंबर 3 आज अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि साल भर में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की, आप लोगों के लिए बहुत ही नई नई चीज़ों के ऊपर वीडियो शूट करके रखी हैं। तो बस आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो प्लेन के तो पार्ट्स को हमने कट कर लिया है, अब हम बारी बारी से इन सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और प्लेन को रेडी करेंगे। तो जोड़ने के बाद और रेडी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है। सो गाइज, मेन बॉडी का तो काम ख़त्म हो चुका है, अब हम इसके विंग को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। तो पहले तो ये विंग का जो हमारा हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से तीनों पार्ट हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, और जब आप इस छोटे वाले पीस को विंग के साथ अटैच करोगे सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसे बेंड करना है, ये कुछ ऊपर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों के दोनों विंग के जो हिस्से हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ कर्व होने चाहिए। अभी मैं इसको फिक्स करने के बाद आपको दिखा दूंगा, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इसे फिक्स करना है। यहाँ पे आप देख लो कि थोड़ा सा मेरा ऊपर की तरफ बेंड है। सो अब इसे भी फिक्स करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो विंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देखो हल्की सी आपको बेंडिंग नज़र आ रही होगी, इसी बेंडिंग की मैं बात कर रहा था। तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है और इतना काम करने के बाद हमारा प्लेन कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। सो गाइस, कमेंट करने के बाद ज़रूर बताना कि हमारा प्लेन किस तरीके का लग रहा है। अभी प्लेन की तरह उतना भी तो नहीं लग रहा, पर जल्दी हम इसे रेडी करेंगे। सो
तो प्लेन की बॉडी तो तैयार हो चुकी है, पर अब हमें इसे मजबूत करना है, क्योंकि मैंने कई बार प्लेन बनाए हैं और एक बारी गिरने के बाद हमारा प्लेन टूट जाता है। सो अब ये गलती नहीं करनी है, हम इस प्लेन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ पेपर्स की, फेविकोल, पानी, एक पेंट ब्रश और एक कटोरी की। तो गाइस अभी आपको क्या करना है कि ये जो फेविकोल है और पानी, इन दोनों को मिक्स कर देना है। सो फेविकोल को हम 50-60% रखेंगे और पानी को 40-50% रखेंगे। ये आपके ऊपर है, आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन 50-60% फेविकोल होना चाहिए और पानी 40-50%। सो इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी ले रखा है, आप देख सकते हो। तो इसी के हिसाब से मैं इसमें मिक्स कर दूंगा फेविकोल को। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सो गाइस मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके का पेस्ट हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको साइड में रखते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने पेपर लिया था, पेपर को छोटे छोटे पीसेस में हम इसे फाड़ देंगे। अब गाइस ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो हम अपने प्लेन के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देंगे। तो गाइस इसी तरीके से हमें सारे पेपर्स के पीस को इसके ऊपर चिपका देना है, पूरे प्लेन को इससे कवर कर देना है। ये सूखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ये हमें हमारे प्लेन को मजबूत करने में मदद करेगा। सो अब इसको करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस विंग के हिस्से में हमें यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड लगानी है। तो विंग तो हमारा टेढ़ा है, तो पहले इस एल्यूमिनियम को भी कट करके हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे विंग के हिसाब से और इसको इसके अंदर लगा देंगे। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि प्लेन आपका उड़ते में ही विंग पे ज़्यादा लोड पड़े और विंग आपका टेढ़ा हो जाए या फिर टूट जाए। तो इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, ये आपके विंग को स्ट्रेंथ देगा। तो चलिए अब इसको भी लगा देते हैं।
गाइज़ यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है, आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अगली वीडियो में हम इसको पेंट भी करेंगे, इसके ऊपर डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो वो वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में।